Hi students, assalamu alaikum. I am Fukar Ahmad, and today we are going to discuss parental care in vertebrates. First of all, what's mean by parental care? Parental care mean any type of the parental behavior that seems likely to be increase the reproductive potential of an individual. Mean कोई भी ऐसा behavior जो के animals की तरफ से show किया जाए, किस purpose के लिए? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो एनिमल्स का है उसको इंक्रीज करना, मीन कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो एग्स हैं, उनको उनकी केयरिंग के लिए, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके परवान चढ़ने के लिए जितने भी उसका बिहेवियर्स की ज़रूरत है, जिस तरह के भी बिहेवियर की ज़रूरत है जो एनिमल्स शो करते हैं, उनके सक्सेसफुल परवान चढ़ने के लिए, सक्सेसफुल उनके एडल्ट्स तक कन्वर्ट होने के लिए, उन सारे एक चीज़ को हम पेरेंटल केयर कहते हैं. पेरेंटल केयर में हम जो है एक्स की या फिर यंग वन दोनों की केयर्स जो है इसमें आती हैं, जो कि पेरेंटल एनिमल्स करते हैं. पेरेंटल केयर में याद रखें बोथ मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स, बोथ ऑफ देम्स कंट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म आर द activities performed for the parental care, these are may be breeding of nest, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम birds को देखते हैं अक्सर कान, जो कि nest build करते हैं जब भी उनका breeding season आता है. Similarly, कुछ animals ऐसे हैं जो कि burrows में रहते हैं, तो वो burrows बनाते हैं, digging करते हैं, ताकि उनके बच्चे वहाँ पे burrows में या फिर उनके eggs जो हैं वो महफूज रहें, क्योंकि जब juvenile stage पे उनके बच्चे होते हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. सिमिलरली जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं वो भी उसके एक्स को, उनके बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं, इसी वजह से वो इस तरह के मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, ताकि इन्वायरमेंटल चेंजेस एज वेल एज दी जो उनके प्रीडेटर्स हैं एनिमल्स की सूरत में, बर्ड्स की सूरत में, उस उनसे यंग वंस को, ऑफ स्प्रिंग्स को, एज वेल एज एक्स को जो है उनकी केयरिंग की जा सके. पेरेंटल केयर हमारे पास एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होती है, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी के बाहर भी होती है. अंदर की बात करें, जो प्लेसेंटा वगैरह है, हम मैमल्स की बात करते हैं जब, तो वहाँ पे प्लेसेंटा उनको खुराक फ्राहम करता है. खुराक का फ्राहम करना, न्यूट्रिशन का फ्राहम करना, ये भी पेरेंटल केयर की का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इसी तरह हम कुछ मछलियों को देखते हैं, जैसे बोफिन फिश है, उनके अंदर भी पेरेंटल केयर का मैकेनिज्म पाया जाता है. जैसे कि वो उनके अंदर मैकेनिज्म है कि वो अपने मुंह के अंदर जो है एक्स को रखती हैं, और इसी तरह कुछ मछलियाँ और फ्रॉग्स के स्किन के ऊपर पाउच बने होते हैं, कैविटीज़ बनी होती हैं, जिसके अंदर वो एक्स को रखती हैं टेल जब तक कि उनमें से हैचिंग नहीं होती. ये सारी की सारी चीज़ें पेरेंटल केयर में आ जाती हैं. यस, नाउ वी मूव टू आर दी फॉर्म्स ऑफ द पेरेंटल केयर. डिफरेंट फॉर्म्स या फिर डिफरेंट तरह की जो पेरेंटल केयर्स होती हैं, या डिफरेंट तरह के अडॉप्टिव बिहेवियर्स जो शोन्स बाय डिफरेंट एनिमल फॉर द पेरेंटल केयर आर मे बी आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट एंड बरस. नेस्ट और इसी तरह बरस का बनाना, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर बिहेवियर है, जो कि मुख्तलिफ एनिमल्स में, जैसे कि हम स्नैक्स को देखें, लेजर्स को देखें, इवन फिशेज में भी ये मैकेनिज्म पाया जाता है, और बर्ड्स में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है. सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, एज वी नाउ द गैमेट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस, फॉर द कंटिन्यूस ऑफ द जनरेशन, और द फॉर द विच आर बेसिक, वी कैन से दैट इज बेसिक पॉइंट फॉर स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ आर द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देन यंग वन. तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है. सिमिलरली अगर हम देखें तो मैमल्स के केस में स्पेशली, एक ज़्यादा तादाद में गैमेट्स जो हैं, या मेल के केस में ज़्यादा तादाद में आपको स्पर्म पैदा करने पड़ते हैं. अगर स्पर्म की तादाद लेस हो तो वो फर्टिलिटी काज नहीं कर सकते. सिमिलरली केयर ऑफ एग्स, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एग प्रोड्यूस कर देते हैं,
अब बाकी जो होते हैं वो या तो वो दरख्तों पे देते हैं या फिर वो जमीन के ऊपर बरस वगैरह में। अब क्या है, चाहे वो एक्स दरख्तों में हो या बरस वगैरह में हो, तो उनको कंटिन्यूसली थ्रेट्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, जैसे प्रीडेटर का थ्रेट है, इसी तरह इनक्यूबेशन के लिए उनको टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के जो के लिए पेरेंट्स एक फिनोमेना जहाँ पे बिहेवियर जो है शो करते हैं, जिसमें वो इनकी केयर करते हैं एग्स की, इस चीज़ को भी हम पेरेंटल केयर के अंदर ही स्टडी करते हैं। सिमिलरली केयर ऑफ यंग वन एंड एग्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि यंग वंस जब जुवेनाइल हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी केयर करते हैं। जैसे हम लायन को देख इसको लेपर्ड को देखते हैं, वो 18 मंथ तक अपने बच्चों की केयर करता है। इसी तरह हमारे पास बर्ड्स में जो है ना बहुत सारे इस तरह के फिनोमिनास वगैरह पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास है सोशल असिस्टेंस टू मेच्योर ऑफ स्प्लिंग, बहुत सारे मैकेनिज्म्स ऐसे हैं कि एनिमल्स सोशल असिस्टेंस रखते हैं, सोशली ग्रुप्स बना के जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनको साथ रखते हैं टिल उनकी मेच्योर होने तक। जैसे हम इस तरह का मैकेनिज्म एलिफेंट में देखते हैं, पिग में इस तरह का मैकेनिज्म है, सोशलाइज वे से वो रहते हैं, इस तरह मंकीज वगैरह में इस तरह का बिहेवियर है ताकि उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो सक्सेसफुली अडल्ट तक कन्वर्ट हो सके। टाइप्स और फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर को हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास इसी में आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ बरस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, केयरिंग ऑफ एग, जो आपने पीछे चीज़ें देखी हैं ऑलमोस्ट सारी के सारी वो ही हैं। और नेक्स्ट चीज़ हमारे साथ है वो है एडजस्ट दी ब्रीडिंग सीजन अकॉर्डिंग टू सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम एनिमल्स को देखें तो मोस्टली हमारे पास जो एनिमल्स हैं इवन इन आवर रीजन या फिर किसी भी रीजन के आप एनिमल्स को देखो, तो वो ब्रीड करते हैं, वो और रिप्रोडक्शन उनकी स्टार्ट होती है एट दी एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। अब वो अपने या बॉडी को अपने हार्मोन्स को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि वो अपने का ब्रीडिंग सीजन हमेशा स्प्रिंग के स्टार्ट में आता है। वजह क्या है, वजह ये है कि स्प्रिंग के स्टार्ट में जब वो ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे उनके पास आगे एक जो है 3-4 महीने का सूटेबल पीरियड होगा, जिसमें उनको एक्सेस अमाउंट में यानी कि गर्मियों की सूरत में एक्सेस अमाउंट में उनका फूड भी मिलेगी, और जो है वो उनको टेम्परेचर भी इतना अफेक्ट नहीं करेगा गर्मियों का। हाँ, जैसे हम जानते हैं मोस्टली हमारे पास ये जो एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कोल्ड ब्लडेड हैं, जैसे फिशेस को देख लो, इसी तरह एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, ये टेम्परेचर रेगुलेट तो नहीं कर सकते, सर्दियों में तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, इसी वजह से अपना ब्रीडिंग सीजन ये इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि 3-4 महीने में इनके बच्चे स्टेबल हो सकें कि वो हाइबरनेट कर सकें, उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी हो। और सिमिलरली अगर वो हाइबरनेट नहीं करते तो वो विंटर के जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको बर्दाश्त कर सके। ये कुछ आप देख रहे हैं जैसे एग्स और साथ में ये नेस्ट है, सिमिलरली कुछ एनिमल जो बरोज में एग ले कर रहे हैं, ये लाइन को लेपर्ड को लाइन को आप देख रहे हैं जो कि अपने बच्चों की केयर कर रही है। सिमिलरली ये इनक्यूबेशन के लिए सांप जो है अपने जो एग्स हैं उनको जो है टेम्परेचर फ्राम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं इसके पेरेंटल केयर के, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द नेस्ट एंड बरस और टेरिटरीज। बहुत सारे एनिमल्स में ये बिहेवियर पाया जाता है कि वो अपनी बरस को अपने नेस्ट को बनाते हैं, और बनाने के बाद उसमें वो एग ले करते हैं, और एग ले करने के बाद ये नहीं है कि जस्ट एग ले किया ओके, वो उस एरिया को डिफेंड भी करते हैं। इस तरह का मैकेनिज्म आपने फेमिलियर हो गए इससे, क्राउ से, क्राउ में जो है ना इस तरह का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो एग ले करने के बाद अपने जो हैं उसको नेस्ट को डिफेंड करते हैं। इसी तरह बाकी बर्ड्स में भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये जो नेस्ट लेकर बनाना और इसको डिफेंड करने का जो मैकेनिज्म होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट्स।